हेलो दोस्तों, आज का वीडियो में हम लोग जो है एक Realme का Narzo 50A का मतलब ओवरव्यू देखेंगे, फास्ट लुक देखेंगे। और ये जो है Narzo 50A और इसका जो अभी का प्राइस है लगभग 12,500 रुपया है। लेकिन ये जो है जो कस्टमर खरीदा है इसको तो इसका जो प्राइस पड़ा था उसको 11,000, क्योंकि आप जानते हो थोड़ा दिन पहले जो है बिग बिलियन डे सेल था और उसमें जो है इसने 11,500 रुपये में खरीदा है। अगर आपने भी खरीदा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और आपको कितना में ये वाला मोबाइल खरीदा है कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका चलिए देखते हैं ओवरव्यू कैसा है, ये मोबाइल कैसा है, तो आ जाइए। ये जो है मतलब लुक वाइज इतना खास नहीं, मेरे को कैमरा का डिजाइन जो है इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन लग सके तो आपको अच्छा लग सकता है क्योंकि मेरे को नहीं पता है। लेकिन इसका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है हीलियो G85 इसका प्रोसेसर लगा है और 6000 mAh का बैटरी है। अगर आप गेमिंग के लिए एक मोबाइल खरीदना चाहते हो तो आराम से इसको ले सकते हो। और इसका जो कैमरा है, इसका 50 MP का जो है मतलब रियर कैमरा है और 2 MP का डेप्थ और 2 MP का अल्ट्रा वाइड कैमरा जो है लगा हुआ है। मेरे को पता नहीं चलता है कि एक्चुअली में 2 MP का कैमरा देने का क्या मतलब है। और इसका जो फ्रंट कैमरा है 8 MP है, मतलब नॉर्मली ये जो मोबाइल है ओनली फॉर गेमिंग के लिए बनाया गया है और बैटरी एमएच इसलिए ज़्यादा दिया गया है और उसमें आप आराम से गेमिंग कर सकते हो। और दूसरा, इसमें जो बैटरी है 6000 mAh की है और सबसे बड़ी बात इसमें 18 वाट की फास्ट चार्जर दिया गया है, और इसलिए मोबाइल जो है थोड़ा भारी लगता है क्योंकि बैटरी जो है थोड़ा बड़ा है। और सबसे बड़ी बात, Realme का 10-12 हज़ार रुपये के अंदर में भी 18 वाट का फास्ट चार्जिंग आता है। नॉर्मली दूसरा कंपनी में मतलब इतना ज़्यादा वाट का फास्ट चार्जिंग जो है नहीं देता है। तो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आराम से ले सकते हो, लेकिन मेरे को डिजाइन तो अच्छा लगा, लेकिन ये जो कैमरा बम्पर है ये बहुत बड़ा दिख रहा है और इधर जो है टोटली गैप है, इसमें कुछ नहीं है, खाली लिखा हुआ है क्या मैटेक्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा ये जो कैमरा डिजाइन है, क्योंकि देखिए आप देख सकते हो कैमरा कहाँ पे है और डिजाइन ये जो है एक्स्ट्रा रख दिया और उसके साथ ये जो है फिंगरप्रिंट जो है ऐड कर दिया, और कितना बड़ा दिख रहा है ये वाला चीज, इतना बड़ा मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। और राइट साइड में जो है इसका पावर बटन है और वॉल्यूम का प्लस माइनस बटन है, और ऊपर में जो है सेकेंडरी माइक इसमें नहीं आता है, और लेफ्ट साइड में सिम ट्रे है, और नीचे जो है टाइप सी, ये जो सबसे अच्छी बात है इसमें टाइप सी आता है, और ये जो है स्पीकर ग्रिल है, ये जो है स्पीकर ग्रिल है, और माइक की जो है ये जो माइक ग्रिल है, और ये जो है 3.5 mm का 5 mm जैक है। और इसमें जो है बहुत सारा कंपनी अभी जो है 3.5 mm का जैक जो है मिसिंग कर दे रहा है, क्योंकि ये वाला जो मोबाइल है मतलब जो जितना कॉस्टली मोबाइल अभी अगर लेते हो तो उसमें जो है आपको नहीं मिलता है। तो ओवरऑल मोबाइल तो अच्छा है, और मैंने जो कस्टमर लिया है उससे मैंने पूछा कि वो जो मतलब उसका जो बोलने का मतलब है कि परफॉर्मेंस तो अच्छा है, गेमिंग भी अच्छा है, बैटरी बैकअप भी अच्छा है, चार्जिंग भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसको थोड़ा वेट जो है ज़्यादा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, उसको कैमरा बम्पर जो है इतना खास नहीं लगा, मेरे को भी इतना कैमरा बम्पर जो है इतना खास नहीं लगा। आपको कैसा लगा? अगर आप Realme का Narzo 50A खरीदते हो या तो खरीद लिए हो तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात, आप कितना में खरीदे हो, क्योंकि अगर आप बिग बिलियन डे में खरीदे हो तो आपको 11,000-11,500 रुपये पड़ता होगा। अगर अभी खरीदते हो तो अभी मैंने फ्लिपकार्ट में उसका जो है प्राइस देखा 12,500, मतलब 12,499 रुपये इसका प्राइस अभी भी है। अगर आप उसको लेना चाहते हो तो दिवाली का सेल जो है लगभग कंटिन्यू है, आपको अगर आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है या तो डेबिट कार्ड है उसमें जो है ऑफर चल रहा है तो आप उससे जाके ले सकते हो। और मेरे को जितना लगता है कि ये जो है मोबाइल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एक गेमिंग के लिए लेना चाहते हो तो आराम से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें बैटरी बहुत बड़ा है, 6000 mAh की बैटरी है, आप लॉन्ग टाइम के लिए आराम से इसमें जा सकते हो। और इसका जो प्रोसेसर है आप जानते हो मतलब मीडियाटेक का हीलियो G85 इसका प्रोसेसर है, अच्छा चलता है, इसका गेमिंग परफॉर्मेंस भी अच्छा चलता है। आप अगर फ्री फायर खेलते हो या तो पबजी खेलते हो, कुछ भी अगर गेमिंग करते हो तो आप जो है इसको आराम से चला सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर ये वाला मोबाइल खरीदना है तो आप बिंदास खरीद सकते हो, मैं Realme को सजेस्ट करूंगा क्योंकि Realme बहुत अच्छा मोबाइल है, मैं ये जानता हूं। अगर आप लेना चाहते हो तो आराम से इसके ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे ऐसे मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो देखने के लिए, ठीक है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।